तो यहाँ पर देखो कि हमारा ये हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी सर्कल हाफ देखो ओके तो तुम्हारा क्या कि हम लोग का ये सर्कल जो है इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है ओके सर्कल में तुम्हारा ये सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है ओके जब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है इट इज मेड फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट्स ओके तो तुम्हारा हर एम में इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है ओके लिसन तुम्हारा इनफाइनाइट टेंजेंट बना जा सकता है इनफाइनाइट टेंजेंट बना जा सकता है ओके व्हाट इज टेंजेंट टेंजेंट किसे कहते हैं टेंजेंट इसे कहते हैं कि इफ ए लाइन पासिस थ्रू द ओनली वन पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द टेंजेंट ओके एंड ये द पॉइंट और लाइन इस जो टॉच करते से क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओके ठीक है ठीक तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल ऑफ हाफ तो तुम्हारा इसका आंसर इनफाइनाइट क्योंकि सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन ए डैश पॉइंट ओके इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट तुम्हारा ओके हमारा ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इंटरसेक्टेड इन डैश पॉइंट एक ही पॉइंट में टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट में तुम्हारा इंटरसेक्ट करता है ओके ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड हमारा सेकंड किसे कहते हैं इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए सेकंड तो तुम्हारा ये इसका आंसर क्या होगा सेकंड होगा ओके ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट ओए सबसे मिनिमम कितना डा पैरेलल टेंजेंट हो सकता है ओके तुम्हारा टू आंसर थोड़ा देखो क्या दिखा एट मोस्ट बोला सबसे मिनिमम ओके टू पैरेलल टेंजेंट्स देखो यहाँ पर ये एक तो है और ये एक तो है अगर ये बोलता है पेयर अगर बोलता लिसन अगर पेयर बोलता तो एक होता वन पेयर ऑफ द पैरेलल टेंजेंट एटमोस्ट सबसे मिनिमम अगर टू एटमोस्ट कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकते दैट इज टू अगर पेयर बोलता वन होता अगर पेयर नहीं बोला है तो टू पैरेलल टेंजेंट है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल आर द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट द कॉमन पॉइंट किसका टेंजेंट का टेंजेंट का एंड सर्कल का इज कॉल्ड व्हाट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया है कि ए टेंजेंट पी क्यू ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस फाइव से मीट द लाइन थ्रू द सेंटर हो ओके ओके इज 12 सेम फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू तो यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन नंबर थ्री ओके क्वेश्चन नंबर थ्री दिया ए टेंजेंट पी क्यू पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेम एक सर्कल है एक टेंजेंट क्या है पी क्यू है ए टेंजेंट पी क्यू ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 हाँ रेडियस 5 सेम मीट्स द लाइन थ्रू द एट द सेंटर ओ एंड ओ क्यू इज 12 सेम फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू लिसन तरह है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ये जो पी जो है तुम्हारा इधर है पी इधर है वो बोला है कि ए टेंजेंट पी क्यू एक तो टेंजेंट है पी ऑफ ए सर्कल पी ऑफ ए सर्कल ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल मीन्स तुम्हारा जो पॉइंट पी है सर्कल का है इसका रेडियस 5 सेम दिया है ये रेडियस कितना ये 5 सेम दिया ओके एंड ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू इज 12 सेम ओ से क्यू कितना दिया
12 cm. Then what is the length of PQ? Okay, point P of a circle bola. Point P जो है circle का point है. What is PQ बोल रहा है ये. ये तुम्हारा Pythagoras theorem में आएगा. पहला ये 90 होगा. देखो angle P 90 क्यों है? क्या reason है? और एक theorem था. Angle P 90 क्या reason है? Radius perpendicular to किसे? Tangent. Okay. उसके बाद ये Pythagoras theorem में आएगा. PQ और बेस इक्वल टू एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर. ओके 144 माइनस 25 कितना आएगा 119. ओके देन ये तुम्हारा क्या आएगा ये कौन सा ऑप्शन देखो पी क्यू का लेंथ का तुम्हारा डी तुम्हारा ऑप्शन है. ओके ठीक है नेक्स्ट ड्रॉ ए सर्कल टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सो दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड. ओके क्वेश्चन नंबर क्या 4. पहला बोल रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल टू ए लाइन व्हिच पैरेलल टू Draw a circle to a line parallel to a given line so that one is tangent and other is second to a line. देखो पहले एक तो सर्कल बना दो. ओके ठीक है सर्कल बनाने के बाद क्या करो अभी एक टेंजेंट बनेगा और दूसरा क्या सेकंड बनेगा. ओके तो यहां पर एक तो पहले लाइन लो एड. ओके ओके उसके बाद तुम अगर 90 ड्रॉ करना चाहते हो कि यहां पर रखोगे सेंटर में यहां से ऐसे एक तो एक्सट्रीम पॉइंट से ऐसे राउंडर से घुमाओगे. हमारा सपोज एक एक्सट्रीम पॉइंट से एक लाइन को परपेंडिकुलर बनाना है कैसे बनाओगे एक एक्सट्रीम पॉइंट से एक लाइन को परपेंडिकुलर बनाओगे कैसे यहां से रख के एक ठोक क्या करोगे ऐसे यहां से रख के राउंडर से ऐसे घुमाओगे होना बात इसको क्या करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे धनिया तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री. यहां पर भी सेम थिंग पहले एक टेंजेंट बना दो इसका 90 डिग्री बनाना है यहां से रख के ऐसे एक ठोक क्या करोगे घुमाओगे इसको क्या करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे यहाँ पर रख राउंडर में. ओके ये जरूर आएगा और ये तुम्हारा क्या एक है टेंजेंट दूसरा बोल रहा है सेकंड. ओके एक काम करो इसका इधर और थोड़ा प्रोड्यूस कर लो. ओके इधर एक तो 90 डिग्री बनाना है. ओके 90 डिग्री आराम से बनेगा इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे. ओके यहाँ पर एक 90 बनाना 90 आराम से बनेगा यहाँ पर रखोगे. ओके तो और क्या 60 60 120 इसको क्या करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे उसके बाद ठीक है. तो ये 60 और 60 120 60 को परपेंडिकुलर ये 60 और 120 में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो ये तो दिस इज ए व्हाट सेकंड एंड दिस इज ए ठीक है. ओके